आंध्र प्रदेश के चित्तूर इलाके में शनिवार रात एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। यहां बस के खाई में गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 45 यात्री घायल हो गए। इसके अलावा कई लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। हादसा तिरुपति से 25 किलोमीटर दूर बागपेटा में हुआ। घायलों को तिरुपति के रूया सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तिरुपति के SP ने बताया कि यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने देखा कि मांस के टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए हैं। चंद्रगिरी पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक निजी बस शनिवार को अनंतपुर जिले के धर्मावरम से तिरुपति के लिए रवाना हुई थी। कथित तौर पर बस ड्राइवर ने एक मोड़ को पार करते समय नियंत्रण खो दिया और बस नीचे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। दुर्घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने भी राहत और बचाव कार्य में मदद की। रात में अंधेरा होने से राहत कार्य में परेशानी भी झेलनी पड़ी। हालांकि रविवार तड़के तक रेस्क्यू कार्य पूरा कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर।